आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। हम जिससे खुशामदीद करते हैं, ये नी रिप्लेसमेंट कैंप का तीसरा कैंप है। सबसे पहला कैंप हमारा 2018 में हुआ था, जिसमें एक रिप्लेसमेंट के साथ हुआ, और आज तीसरा कैंप हमारा होने जा रहा है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं, जिसके लिए मैं दावत दूंगा आपको नजीब मुर्तजा साहब को, जो डैश पर आकर तिलावत कलाम पाक से بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا कारगिल श्री सईद अब्बास जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फॉर हेल्थ श्री मोहसिन अली जी, स्पेशल गेस्ट ऑफ द ओकेजन डॉक्टर अतीक वसुदेव, सीनियर डायरेक्टर नी डिवीजन वेदांता द मिडी सिटी, वाइस चेयरमैन आईकेएमटी शेख बशीर शाकिर, एक्स एमएलए कारगिल हाजी असगर अली करबलाई जी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल डॉक्टर लियाकत अली खान, प्रेसिडेंट अल रिजा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन डॉक्टर जोहरा बानो एंड गायनेकोलॉजिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल, प्रेसिडेंट बकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर विलायत अली, बकरिया के मेम्बरान, जनरल पब्लिक और मीडिया हजरात, अस्सलाम वालेकुम। टोटल नी रिप्लेसमेंट एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी 2018 से बकरिया और
हेल्थ डिपार्टमेंट करगिल के कोलेबोरेशन में कैंप चलता आ रहा है। तो 2018 में पहला कैंप किया था जिसमें 23 नी रिप्लेसमेंट्स और एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ। इसके बाद 2021 में भी इसी तरह कैंप हुआ जिसमें 43 नी रिप्लेसमेंट्स और एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ। तो अभी मुझे जब नेशनल एंथम बजाया जा रहा था, मुझे ख्याल आया कि डॉक्टर अतीक वासुदेव की मेहरबानी से जो लोग नेशनल एंथम में खड़े नहीं हो पाते थे नी प्रॉब्लम की वजह से या हिप प्रॉब्लम की वजह से, वो लोग भी नेशनल एंथम में आज खड़े हो पा रहे हैं सक्सेसफुल नी सर्जरी के बाद। तो हमारे डॉक्टर अतीक वासुदेव, एज यू ऑल नो, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। ही इज अ हाउस होल्ड नेम इन करगिल। करगिल इज लाइक ए सेकेंड होम टू हिम। ही हैज बीन हियर 3 times। अब इस बार डॉक्टर साहब ने करगिल वालों के लिए साल में 2 बार आने का फैसला किया है। साल में 2 बार कैंप होगा और इतने सारे सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट करने के बावजूद भी उन्होंने हर कैंप में एक नी अपनी तरफ से डोनेट किया है। जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो इम्प्लांट का कॉस्ट, उन्होंने खुद अपनी जेब से देके एक पेशेंट को उन्होंने सक्सेसफुली सर्जरी और अपनी तरफ से इम्प्लांट देके कामयाब किया है। तो डॉक्टर अतीक वासुदेव इज ए रेनाउंड आर्थोप्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया। ही इज फेमस ऑल ओवर इंडिया एंड ही इज करंटली वर्किंग एज ए सीनियर डायरेक्टर नी डिवीजन मेदांता द मेडिसिन टी गुड़गांव हरियाणा। ही हैज 28 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड। He has completed his MBBS from Kasturba Medical College 1993 and MS Orthopedics from Manipal Academy of Higher Education in 1997. He has undergone special training and fellowship. के गरीब आवाम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और खुशामदीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस समझ के यहाँ पर तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहता हूँ खतक से हमारे मेहमान का स्वागत किया जाए। हजी अजमल अली करबलाई साहब से गुजारिश है कि वो हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक पेशेंट है हाजी मोहम्मद अब्बास साहब, जिनका 2021 में हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर करगिल से जुड़ा हुआ जो बाहर से आए हुए हैं हमारे लोगों को सर्विस देने के लिए, सीनियर डायरेक्टर नी डिवीजन एंड एक्स MLA असगर अली करबलाई साहब, वाइस चेयरमैन IKMT, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर लियाकत अली खान, प्रेसिडेंट बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर लाए, बाकी स्टाफ यहाँ पे वॉलेंटियर्स और जितने भी हमारे पब्लिक हैं सबको पहले सलाम अर्ज करती हूँ। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि ये जो नी ट्रांसप्लांट के लिए हमारे डॉक्टर साहब बाहर से बड़ा तकलीफ था, ये 4 ही बार आए थे। जब सीढ़ी पे चढ़ते थे तो ये मतलब ऐसे हाथों के सहारे से चढ़ते थे, तो इन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया, आपकी टीम का शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने कहा कि जब से ऑपरेशन हुआ है एक महीने तक बड़ा मेहनत तो बड़ा परेशानी रहा, उसके बाद जो है बिल्कुल सही सलामत थे, तो आपका इन्होंने दिल से शुक्रिया। Excellent day,
प्रेसिडेंट पापिया, वाइस प्रेसिडेंट अलीजा और बाकी यहाँ पे मौजूद सब लोगों को सलाम है। बाकरे हेल्थ केयर और रिसर्च सेंटर ने बहुत बड़े बड़े काम सर अंजाम दिए हैं आज तक, जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। खासकर मेनली अगर मैं कहूँ तो जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन जो शायद गवर्नमेंट सेक्टर में कभी नहीं कर पाया, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो नहीं हो पाया था वो बाकी हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर ने करके दिखाया। और दूसरा जो मैंने इनका प्रोजेक्ट नी और हिप रिप्लेसमेंट से, ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ मेरा फादर क्रोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट था और शायद वही पहला आदमी था जिसने पहले ट्रेड नी रिप्लेसमेंट कराया और हम लोगों ने दिल्ली में कराया 10-15 साल पहले प्राइवेट में कराया। मुझे एहसास है क्रोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, उससे कितना अजाब होता है। मेरे फादर की वो हालत थी, हम लोगों को उठाना पड़ता था, उसे उठ नहीं पाता था ठीक तरह से, कभी बाहर करना हो बात नहीं करना हो, सीढ़ी वीढ़ी चढ़ने के बाद ही और इतना अजाब हूँ उसके जो चेहरे का उठते वक्त एक्सप्रेशन देख के रहम होता। तो डॉक्टर नासिर यासीन सर जो आप आज के ऑनर और इतने दूर से आए मेहमान से रातों रात दौड़ते हुए यहाँ आए एक अच्छे काम को अंजाम देने के लिए, और आज तक 50-60 से ऊपर नी और हिप रिप्लेस हो चुका है और इतने लोगों को राहत मिली है, एक अजाब से छुटकारा मिला है और वापस जो मैन लाइफ स्ट्रीम में वापस लाया है इनको, इससे पुण्य इससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता है। मैं इनका मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तहे दिल से इनको खुश आमदीद करता हूँ और इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना पहल लेके दर्द लेके यहाँ पर आते हैं। हमारे नेक्स्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अतीब वासुदेव साहब से गुजारिश करूँगा, मेरी खुद किस्मती है कि मैं आ सकता हूँ आप सबको आपके लिए कुछ करने के लिए, लेकिन इस सारे चक्र में मैं बहुत एक छोटा इंसान हूँ, ये सब मुमकिन नहीं होगा अगर आप लोग इसको मुमकिन ना करना चाहते। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो मिले जिसको वही आगे बढ़ सकते। आपने अपना विश्वास दिखाया मैं यहाँ आ सकूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ये विश्वास कभी ना चाहिए, जितनी मैं कर सकता हूँ जितना भी कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा, दो बार आऊँगा क्योंकि मेरे को ही अपने ही घर लगता है, मेरे को ऐसे लगता है मैं अपने ही घर आया। मेरे वालिद साहब बॉर्डर रोड में थे, उन्होंने ये सड़कें जो बनी हैं बहुत अब रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये सारे इलाके में कब देखा जब यहाँ कुछ भी नहीं था, तो मैं अपनी ये मेरा फॉर्चून है कि मैं यहाँ आ सकता हूँ। और जिस इंसान ये मेरे को शुक्रिया अदा सबसे पहले खुदा का करना चाहिए क्योंकि उन्हें मुझे शफा दी कि मैं यहाँ आ सकता हूँ, आप लोगों का करना चाहिए जो आपने मेरे पे विश्वास दिखाया और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उससे मैं आ सकूँ। तीसरा मैं शुक्रिया अदा करूँगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, बाकरिया हेल्थ केयर का, लोकल हॉस्पिटल का, अहमद साहब का, जितने भी लोग एसोसिएट वॉलंटियर्स का, जितने भी लोग एसोसिएट एसोसिएशन में, क्योंकि जब तक सारे लिंक ना मिले, जब तक सारे जोड़ ना मिले, तब तक कुछ भी काम संभव नहीं है। इसलिए इस सब के एक्चुअली शुक्रगुजारी के हकदार आप लोग, शुक्रिया। गुजारिश करूंगा वाइस चेयरमैन आई टी एफ के शेख बशीर साहब से कि वो अक्सर इस जनाब डॉक्टर अतीब वसुदेव साहब, जनाब आवाज सैयद अब्बास साहब, जनाब रोशन साहब, जनाब अलहाज मौलाई साहब, जनाब वाइस प्रेसिडेंट अहमद साहब और जनाब सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बाकी सब
دیگر. سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. باقریہ ہیلتھ ایکسرسائز سینٹر کی خدمات یوں تو روز آئے روشن ہے, روز روشن تو رہا ہے, جس کی کوئی تعریف کرنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ کام ایسا کیا ہے کہ جس کی تعریف کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. مجبور لوگوں کی خدمات میں یہ ادارہ مصروف ہے, جس کی بنیاد مرحوم شیخ زاکری صاحب نے یہی خواب دیکھ کر ڈالی تھی کہ یہاں کی مجبور لوگوں کی خدمت ہو سکے اور انہیں کوئی سہولیات فیسلٹیز مہیا ہو سکے. الحمدللہ اس خواب پر کھڑے اترتے ہم دیکھ رہے ہیں, جس کی ہم باقریہ ہیلتھ سینٹر کے تمام اعضاء خصوصاً پریزیڈنٹ صاحب کو مبارکبادی کا مستحق سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمارے مہمان خصوصی اور خاص کر ڈاکٹر عتیق وسیع سینئر ڈائریکٹر میٹ ڈویژن بورڈ جوائنٹ انسٹیٹیوٹ گڑگاؤں اور باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عبید علی صاحب, ڈاکٹر احمد علی صاحب, الرجر کے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر زہرا جی, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جناب کچھ علی خان صاحب, باقی میڈیکل ڈاکٹر صاحبان, باقریہ ہیلتھ کیئر ریسرچ سینٹر کے والنٹیئرس, باقی ڈاکٹر صاحبان اور یہاں پہ ہمارے میڈیا حضرات اور خاص کر ہمارے یہاں آج تشریف لائے ہوئے ہمارے کیا کہیں مہمان یا پیشنٹ کہیں پیشنٹ ہی کہیں, آپ سب کا جو ہے دل کی انی کے رہنے سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح سے پچھلے دو ڈھائی سال جو ہے ہمارے پینڈیمک کی وجہ سے ایسے پروگرام آرگنائز کرنا تو دور کی بات, ایک دوسرے سے ملنے میں بڑا مشکل ہو گیا, لیکن ہم سب کے جہاں کے گھر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ پینڈیمک آہستہ آہستہ جو ہے اسے دور ہوتا چلا گیا اور ہمیں موقع ملا ایسے پروگرام آرگنائز کرنے کا, ایک دوسرے سے ملنے کا, ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کا, ایک بہت بڑا موقع ملا. ادر وائز ہم سب کو پتا ہے پینڈیمک کی وجہ سے جو ہے ہمارا پورا ایکٹیویٹیز جو بھی چاہے وہ گورنمنٹل ایکٹیویٹیز ہو چاہے جو بھی ہو بالکل ٹھپ ہو کے گیا تھا سب سے. تو آج واقعہ ہے کہ انسٹار سینٹر نے ان کولیبریشن ایل ٹی سی کا بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور خاص کر ہمارے ڈاکٹر صاحب وسیع صاحب جو بہت دور علاقے سے یہاں پہ آ کے دور دراز علاقے میں آ کے لوگوں کا خدمت کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد میں گزارش کروں گا آنریبل ڈپٹی کونسلر انچارج سے ڈپٹی کونسلر جناب آغا سعید عباس رضوی صاحب سے کہ وہ فیصلہ تشریف لائے اور اپنے خیال رکھیں. اور یہ کونسل اضافی ہونریبل ایگزیکٹو کونسلر جناب محسن علی صاحب, ڈاکٹر اسد, ڈاکٹر عقیق وسیو صاحب, ہردل عزیز ایکس ایم ایل اے الحاج اصغر علی کربلائی صاحب, شیخ صاحب ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ جناب ڈاکٹر لیاقت صاحب, زہرا کے وائس پریزیڈنٹ میم ڈاکٹر زہرا صاحبہ, خاص کر باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر ولید صاحب, باقی انتم جی کے اس کے اوپر تھنی میڈیا حضرات رام سنگھ شرما سمجھے اس کے اوپر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
सब अध्यक्ष खुदा लगा लाल शुक्रबार मशीन की शेख साहब जी के अध्यक्ष की जिस शख्सियत को जिनाब मरहूम मकूर शेख जाकिरी साहब जी बुनियाद तम सतम खुदा लगा का शुक्र ड्रिंग जी का जमीना फराहम सो हिंदुस्तानी कोना कोना ना बाकरिया हेल्थ केयर रेसरेस सेंचुरी वसादती का गौ चौक जन्मो बढ़ते युद्ध न कतुन जी जमीनों जी का फराहम सो लाख लाख शुक्रबार हो जाए कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ एल एच डी सी कारगिल जनाब डॉक्टर साहब जो तशरीफ लाए हैं वहाँ से ऑन बिहाफ ऑफ एल एच डी सी कारगिल आपका वेलकम करते हैं और आज का खुशामद करते हैं। मोहल्ला मोहल्लासों से बाकरा हेल्थ सेंटर कोई स्टाफना कोई मेंबर गमस नाते जर्मो बढ़तो उनखन सगा यूल योजना गाँव गाँव से जी मौका दम से गतन गमा दें जियो लिहाजा कोई टीम है को जो से मुबारकबादी मुस्तहब है डॉक्टर बलायत साहब ना कोई टीम ला जो कि पूरी उम्र को पूरी जी पोस्ट का दुख से दक्षिण छप्पन गतन गामा जी का पूरे खिदमत को फरा हम बेचियो खून गामा का स्मी थी ना मुबारकबादी का शुक्रिया अदा बाकरे हेल्थ सेंटर सेंटर डॉक्टर ना टीम सा एल एच डी सी करगिल कोलोबरेशन है श्री सी सी साहब रह कुछ दिलियन नचा एल एच डी सी करगिल हर वक्त बाकरे हेल्थ सेंटर मशकूर ममनून हो और चौंक चे कच्ची कॉपरेट की जरूरत जितना एल एच डी सी करगिल न जनता जिकना वादा था दक्षिण हेल्थ एजुकेटिव जनाब मोहसिन अली साहब समोस यंता चीन की काल बोशेश छाने का तुम एल एच डी सी करगिल यंती फिलहाल ताउन तल में फिलहाल तैयार है इंशाल्लाह ताउन ताउन चल ताउन ताउन चीन आखिर मैंने बाकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर की जानिब से यहाँ तशरीफ लाए हुए ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब ऑनरेबल डीसी साहब और डॉक्टर अतीफ वसंतदेव साहब आपके मेहमान करते हैं जिनसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर वक्त जी का आप यहाँ तशरीफ लाए उस प्रोग्राम में शिरकत किया बाकिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर को तावन देने के लिए एल एच डी सी कारगिल का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्थ डिपार्टमेंट का आसका सीएमओ साहब मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब आरएमओ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाए हुए अल रिजा के वाइस प्रेसिडेंट साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाल के यहाँ पे शिरकत किया और साथ में यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हमारे मीडिया के हजरात उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बाकिया की जानिब से कि उन्होंने इस प्रोग्राम का कवरेज किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम बाकिया के वॉलंटियर्स का भी प्रेसिडेंट साहब की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर इस बाकिया के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए वक्त दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जिस तरह हम बहुत पहले से देख रहे हैं सर यहाँ पे अभी कम से कम तीसरा की चौथा केम यहाँ पे चल रहे सर नी रिप्लेसमेंट का, तो आज जो आप फिर से एक बार यहाँ तशरीफ लाए सर उसके लिए हम मीडिया की जानिब से आपको वेलकम करते हैं सर। तो कितने पेशेंट्स को आप लोग सर्जरी करने के इस बार आप लोगों ने सोचा है सर? मैं तो हूँ यहाँ पर जब तक हूँ संडे तक हूँ, जो जितना काम कराएंगे करूँगा। इस साल हमारा टारगेट जो है थोड़ा कम है क्योंकि साल में दो बार होना है डॉक्टर मांग रहे हैं। सर एक्चुअली हमने डिवाइड कर दिया कैंप, हम साल में दो बार आएंगे सर क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी लोड इतना ना पड़े, हॉस्पिटल में लोड इतना ना पड़े, पेशेंट का केयर बेटर हो सके और हम इम्प्रूव कर सकें सर्विसेज, तो उसके उसको सबको देख मद्देनजर रखिए ये डिसाइड किया गया कि डॉक्टर अहमद और बाकरिया की जो टीम है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ लार्ज नंबर्स एक बार करने उन्हीं नंबर्स को डिवाइड कर दिया। तो मैंने तो हम सब ने बैठ के डिसाइड किया कि एक बार के बजाय दो बार आएंगे और आउटपुट इंक्रीज करेंगे। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं सर जिसको नी प्रॉब्लम है सर, जो चल नहीं पा रहे हैं सर, लेकिन कुछ लोगों ने उनमें डर फैला के रखा है सर कि बाद में फेल होता है कुछ ऐसा कुछ बोल के, तो वो लोग आने में थोड़ा डर रहे सर, उनको आप क्या मैसेज दोगे सर? मैसेज तो यही दूंगा कि डरने की कोई ऐसी बात नहीं है,
लेकिन सेल्फिश तो हर इंसान डरता है, शायद मैं भी डरूंगा अगर मेरी सर्जरी होगी। लेकिन उनको समझाना, उनको सारा कुछ दिखाना, उनको पेशेंट्स का फीडबैक देना, दूसरे पेशेंट से मिलवाना, ये सब करके उनका डर करना भी हमारी जिम्मेवारी। तो आफ्टर सर्जरी कितने दिन पेशेंट को रेस्ट करना पड़ता है सर? जब किसी का जो दोनों नी रिप्लेस हो जाएगा सर, उसके बाद उसको कितने दिन कम से कम रेस्ट करके बैठना है? दोनों नीज रिप्लेसमेंट के बाद अगले दिन से विद वॉकर के साथ हम चला देते हैं पेशेंट को, नी मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर जितना जल्दी हो सके उनको चलाने की हमारी कोशिश होती है। मोस्टली नेक्स्ट डे हम उनको चला देते हैं ग्रेजुअली, वो वॉकर स्टिक में छूट जाते हैं। लेकिन इनका एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, पेशेंट मोटिवेशन फैमिली की तरफ से, हमारी तरफ से, ये बहुत चीज़ें हैं जो इनको हेल्प करती है जल्दी मोबिलाइज। साहब इस बार जो नया कैंप आप लोगों ने खोला जा रहा है, आप लगभग चौथे बकरे की तरह से फोर्थ कैंप लगने जा सर्जरी के, तो कितने पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ सर इस बार के लिए, इस कैंप के लिए? तो इस साल हमने थोड़ा टारगेट को कम करने जैसे अपने डॉक्टर की लोड कम करने के लिए, पेशेंट केयर को अच्छा करने के लिए, तो हमारा टारगेट है 20 से 30 के बीच में, उससे ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं। अगर पेशेंट आएगी तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं मीडिया वालों को बहुत मशहूर हमारे साथ। थैंक यू सर। डरे ना चुके थे आफ्टरनून चल है ओ इवनिंग चल पर इवनिंग करते हैं इवनिंग जो ओ इसको करना पड़ेगा चलो ठीक नहीं है चलो चलने से बजा ठीक से सेम ठीक हो ना चलना है ना ठीक है।